देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो में इतना बड़ा जनसैलाब शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। इस रोड शो में उमड़े जनसैलाब से इतना तो जरूर पता चल गया है कि जनता का रुख किस और है। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि रोजगार नहीं मिल रही है, महंगाई घट नहीं रही है और अब त्योहार का समय है, आज रामनवमी है, किसी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, चाहे परिवार के कितने भी लोग काम क्यों ना कर लें, पूरा नहीं हो पा रहा है। महंगाई की मार को देखते हुए जनता त्योहार तक नहीं मना पा रही है। जनसैलाब में शामिल लोगों ने कहा कि हमें सहारनपुर सहित पूरे देश में बदलाव लाना है ताकि कोई भी महंगाई की मार ना झेल सके। जबकि पत्रकारों को भी प्रियंका गांधी ने यही कहा है कि इस बार सहारनपुर की जनता भी सहारनपुर में बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि आपको एक वोट सरकार भी बना सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। उन्होंने सरकार की जनता से वादा किया है कि उनकी सरकार बनते ही पहले सहारनपुर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने जनता से कहा कि हाथ का पंजा ही देश के किस्मत बदल सकता है, इसलिए सहारनपुर की जनता से विनम्र निवेदन है कि कांग्रेस सरकार के पक्ष में वोट करे ताकि जनता को और आगे महंगाई से जूझना ना पड़े। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और उनका पहला दायित्व महंगाई को कम करना है। उन्होंने मोदी सरकार के बारे में भी बहुत कुछ कहा। ताबिश फैजान की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।